गाइस, कोरिया की एक और मूवी आ चुकी है, उसी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है परहेप्स लव, जो कि रोमांस कॉमेडी ड्रामा बेस्ड मूवी होने वाली है। अब देखो, बात करें इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है, वो एक ऐसे रिश्ते में झुलझ रहा है कि उस रिश्ते ने उसकी इल लगा रखी, लेकिन अब भैया ये सब चीजें करने वाला तो खुद है, तो भुगतेगा ही वो खुद ही। लेकिन अब वो बात करें हमारे मेन कैरेक्टर, तो वो जो है राइटर होता है, लेकिन अब कोई भी बुक सही से लिख नहीं पा रहा होता, क्योंकि कई सारी चीजें है जो कि उसे रोक रही होती है। लेकिन ये मूवी जो है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही पूरी तरह से फोकस नहीं करती, बल्कि जो भी सपोर्टिंग या मेन रोल में है भाई, पूरी तरह से जो ना उन पर भी जो ना बराबर ये मूवी फोकस करती है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक ये मूवी जो है ना रिलेशनशिप को दिखाती है। ये मूवी ऐसे ऐसे रिलेशनशिप को दिखाती ना, देखने के बाद तो मेरे होश उड़ गए थे। लेकिन बात करते हैं, ये जो रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है कि इंसान ऐसे रिलेशनशिप में आते नहीं, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है जो कि लोग उसमें आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो कि बाकी चीजों को जो है ना सब कुछ तबाह करके रख देते हैं, या फिर बाकी लोगों पर असर डालते हैं। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप पर जो है ना, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ऐसे रिलेशनशिप से जूझ रहे होते हैं, जहां से निकलने की वो कोशिशें करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। तो ये मूवी जो है ना ऐसे ऐसे रिलेशन और लव और प्यार और फीलिंग और सैडनेस वाली चीजों को ये मूवी दिखाती है। बाकी बात करें तो मूवी में जो है जितने भी कास्ट है सभी भाई बहुत खतरनाक है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक इसमें कॉमेडी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि भाई ये साइलेंटली जो है ना कभी कभी ऐसी कॉमेडी देखने के लिए मिल जाती है कि हंस हंस कर पेट दर्द करने लगता है। बाकी बात करते मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और ये मूवी जो दिखाना चाहती है वो भी चीजें बहुत अच्छी लगी। हाँ, कुछ ऐसे रिलेशन है जो कि हमारे इंडियन मूवी में कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, रिलेटिव में हम अपने आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन उसका नजारा कुछ अलग ही होगा, क्योंकि आप देखोगे समझ जाओगे। बाकी बात करते ये कोरिया में या फिर हॉलीवुड में नॉर्मली है, तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन बाकी बात करते हाँ, ये जो रोमांस जो फीलिंग जो अंदर की फीलिंग जो ये मूवी दिखाती है, और जो दिल टूटना या फिर प्यार में पड़ना और रिलेशन में आना और उस चीजों का जो ना लोगों पर इफेक्ट पड़ना, वो चीजें जो ये मूवी दिखाती है ना, वो मुझे कमाल की लगी। बाकी बात करते इसमें कॉमेडी अच्छी खासी है, रोमांस जो है ना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिलता है, और एक फैमिली ड्रामा आपको ये मूवी देखने के लिए मिलती है, और खतरनाक रिलेशन देखने के लिए मिलता है। बाकी मूवी मुझे अच्छी लगी, इतनी भी बेकार नहीं है। बाकी का इस बात करते हैं, मुझे ना प्राइम वीडियो पर हिंदी तमिल तेलुगु में स्ट्रीम कर दिया गया है, तो वहां पर जाकर एंजॉय कर सकते हो मूवी देखने लायक। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।